नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज आपसे बातचीत करेंगे एक स्टेट विश्वविद्यालय के विषय में, जिसका एक पूर्व में वीडियो बना के मैंने आपको दिया था, जिसके एडमिशन के प्रोसेस के विषय में एमफिल पीएचडी का मैंने आपको बताया था। आज उसी विश्वविद्यालय की कई विषयों की प्रवेश परीक्षाएं थी जो कि नहीं हुई, क्योंकि नया शेड्यूल वेबसाइट पर डाल दिया गया है विश्वविद्यालय ने। एडमिट कार्ड का लिंक भी डाल दिया गया है और साथ ही साथ कुछ विभाग ने अपने सब्जेक्ट की एमफिल और पीएचडी की सीटों को बढ़ा दिया है। यह सभी अपडेट आए हैं 25 दिसंबर को। 27 दिसंबर को देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि 29 दिसंबर लास्ट डेट थी प्रवेश परीक्षा की, लेकिन अब आ चुका है नया शेड्यूल। अब इस बात का रखिए विशेष रूप से ध्यान, नए शेड्यूल की बात करेंगे और नए शेड्यूल में प्रवेश परीक्षाएँ कब से होनी है और कब अंतिम विषय की परीक्षाएं होनी है, वह सभी कुछ बताऊंगा। और किस सब्जेक्ट की परीक्षा किस दिन और किस समय होनी है, वह सभी जानकारी आपको दूंगा। और उससे पहले, यदि आपका एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है तो उसको डाउनलोड कहां से करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो एक दरख्वास्त, कुछ सवाल हो वीडियो समाप्त होने के बाद, वीडियो देखते वक्त तो ज़रूर पूछिएगा। बैकग्राउंड को छोड़ दीजिए कैसा है, ऑडियो पर आप फोकस करिए जो सूचनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है आप करिए, ये आपका अधिकार है आर्टिकल 51(1) के अनुसार। अब करते हैं बात मूल रूप से इस विश्वविद्यालय की। विश्वविद्यालय का नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। जी हाँ, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक। इसका वीडियो आपने देखा और मैंने डाला भी था, और लगभग एक महीना, तो मैं लगभग नहीं कहूँगा, एक महीना दो दिन हो चुका है। 25 नवंबर को वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा था, और 21 दिसंबर अंतिम तिथि थी फॉर्म को भरने की, और 27 तारीख से आपकी प्रवेश परीक्षाएं होनी थी, लेकिन अब हो चुका है शेड्यूल चेंज। अब सारा शेड्यूल क्या है उसके बारे में जानने से पहले आपको कुछ चीज़ें और जान लीजिए। एडमिट कार्ड के लिए मैंने एक पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, ऊपर मैंने लिख दिया है एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक, उसको खोलिएगा। एक पेज का नोटिफिकेशन है, सबसे नीचे जाइएगा पेज पे, ब्लू कलर में एक लिंक कॉपी किया होगा, उसको आप या टाइप करके गूगल में खोलिए, या फिर उसको आप लिंक पे क्लिक करेंगे, ब्लू टिक है आपके माउस से या जिससे भी करेंगे, एरो बन जाएगा, आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड के लिंक पर पहुंच जाएंगे। वहां अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालिएगा, आपको आपका एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन है, इसी विश्वविद्यालय ने 24 दिसंबर को एमफिल और पीएचडी की सब्जेक्ट में कुछ सीटों को बढ़ा दिया है। याद रखिए बढ़ा दिया है, और उस नोटिफिकेशन का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जो जरूरी बातें हैं वह सुन लीजिए। किस सब्जेक्ट में और कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं इसको सुन लीजिए। कॉमर्स डिपार्टमेंट में अब जो नई सीटें हैं, खासकर पीएचडी के लिए, कॉमर्स डिपार्टमेंट में पीएचडी के लिए अब जो सीटें बढ़ा दी गई हैं उनकी संख्या हो गई है 36। 36 सीटें उसमें टोटल हो गई है। दूसरा विभाग है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में पीएचडी डिपार्टमेंट में अब सीटों को बढ़ाकर 9 कर दिया गया है। अगला एक और विभाग है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट। इस विभाग में पीएचडी की टोटल सीटें अब जो बढ़ाकर कर दी गई हैं, 9 से 15 कर दी गई हैं। अगला इसमें एक और विभाग है, वह है IMSAR इंक्लूडिंग CPAS। इस विभाग में टोटल सीट है पीएचडी की 40 कर दी गई हैं। एक विभाग और है लॉ इंक्लूसिव CPAS, इसमें टोटल सीट जो बढ़ाकर कर दी गई है वह हैं 12 सीटें। एक और विषय है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी से संबंधित, या कहें कि हेल्थ सेक्टर से संबंधित विषय का नाम है फिजिकल एजुकेशन। इस विषय में पीएचडी की अब सीटें बढ़कर हो गई हैं 7 यानी कि 7। एक और विषय है राजनीति का, जिसे बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। इस विषय में पीएचडी की सीटों को बढ़ाकर अब कर दिया गया है 8। और सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र में कोई सीट नहीं आई थी, ना ही एमफिल में, ना ही पीएचडी में। अब यदि, क्योंकि बढ़ी हुई डेट थी 21 दिसंबर, यदि आपने अप्लाई किया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले अपडेट हो चुका था, मैं सूचना लेट से दे रहा हूँ, पीएचडी की इसमें एक सीट दे दी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थी बढ़ी हुई सीटें कुछ विशेष सब्जेक्ट की। अब महत्वपूर्ण चीज़, इस वीडियो का मुख्य पार्ट, नई डेट्स क्या होंगी, उन डेट्स को सुन लीजिए। फॉर्म 23 नवंबर से भरे गए थे, 21 दिसंबर तक थी अंतिम डेट। पहले डेट दी थी 8 जनवरी की, जब आपको लिस्ट डिस्प्ले होनी थी जिन लोगों का प्रवेश परीक्षाएं क्वालिफाई हुई है। अब रिजल्ट थोड़ा देरी से आएगा, और जो नई डेट होगी क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स की
और जिसमें इंक्लूड होंगे वह बच्चे भी जो एग्जामटेड भी होंगे, कुछ बच्चों को उनकी भी लिस्ट 12 जनवरी 2021 को तारीख दी गई है वेबसाइट पर डेट्स की, और इस लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट आएगी क्वालिफाई हुए स्टूडेंट्स की, एग्जामटेड स्टूडेंट की जो पीएचडी के लिए एलिजिबल या एमफिल के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, 12 जनवरी को उनकी लिस्ट आएगी। अब सुन लीजिए प्रवेश परीक्षाओं की नई तिथियां। जी हाँ, प्रवेश परीक्षाओं की नई तारीख सुन लीजिए। 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के मध्य में आपकी होंगी प्रवेश परीक्षाएं एमफिल और पीएचडी की। जी हाँ, 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के मध्य में इन 4 दिनों में हर दिन 3 शिफ्ट में होंगी आपकी प्रवेश परीक्षाएं। मैं डेट और समय और सब्जेक्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिए और नोट करते रहिए। 28 दिसंबर समय सुबह 10:30 से लेकर 11:45 यानी कि सुबह में 1.25 घंटे का पेपर है। इसमें जो सब्जेक्ट है उसके नाम है केमिस्ट्री टूरिज्म एंड मैनेजमेंट। दो सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। 28 दिसंबर पीएचडी एंड एमफिल का 10:30 बजे से होगी प्रवेश परीक्षा है। अगला टाइमिंग है 12:45 से 2 बजे तक 28 दिसंबर को। इस शिफ्ट में जिसका पेपर है वह है ज्योग्राफी इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड होटल मैनेजमेंट। ज्योग्राफी इंग्लिश इकोनॉमिक्स एंड होटल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पेपर है 12:45 पीएम की बात कर रहा हूँ। अगली शिफ्ट है 3 बजे की शिफ्ट है 28 दिसंबर की। इसमें पेपर होगा एनवायरमेंटल साइंस हिस्ट्री विजुअल आर्ट एंड IMSAR, इस सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगली डेट पे जाते हैं यानी कि अगले दिन 29 दिसंबर को जिनका पेपर है 29 दिसंबर पहली शिफ्ट सुबह 10:30 बजे की, पेपर का नाम है स्टैटिक्स यानी कि जो फील्ड है स्टैटिक्स लॉ जर्नलिज्म एंड मास। स्टैटिक्स लॉ एंड जर्नलिज्म एंड मास इस सब्जेक्ट का पेपर है 29 दिसंबर सुबह 10:30 बजे से। 29 दिसंबर के दूसरी शिफ्ट में 12:45 पर जिनका पेपर है कंप्यूटर साइंस, फिर है CS कंप्यूटर साइंस / लिखा हुआ है CSE, फिर है फॉरेंसिक साइंस और उसके बाद है लिटरेचर यानी कि हिंदी। 29 दिसंबर 12:45 से सब्जेक्ट फिर से बता देता हूँ कंप्यूटर साइंस फॉरेंसिक साइंस एंड हिंदी। 29 दिसंबर 12:45 से इन बच्चों का पेपर है। 29 दिसंबर को तीसरे शिफ्ट में पेपर होगा समाजशास्त्र कॉमर्स एंड फिजिक्स यानी के सोशियोलॉजी कॉमर्स एंड भौतिकी यानी फिजिक्स का पेपर होगा 3 बजे से 3 PM है 29 दिसंबर को। 30 दिसंबर सुबह 10:30 बजे से पेपर होगा साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। 30 दिसंबर 12:45 में पेपर होगा फार्मास्यूटिकल साइंस फूड टेक्नोलॉजी फिजिकल एजुकेशन, जिसमें सब्जेक्ट में बताया ना सीटें बढ़ा दी फिजिकल एजुकेशन में 7 सीटें कर दी हैं पीएचडी की, इसका पेपर होगा 30 दिसंबर को दोपहर 12:45 पर। 3 बजे की शिफ्ट 30 दिसंबर को सब्जेक्ट के नाम है बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। फिर से मैं सब्जेक्ट बता दूं 30 दिसंबर 3 बजे की शिफ्ट में अंतिम शिफ्ट में बायोटेक्नोलॉजी बॉटनी जियोलॉजी जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी और है माइक्रोबायोलॉजी के बाद है मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेशन। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2020 साल का अंतिम दिन और आपकी शायद अंतिम प्रवेश परीक्षा 2020 की भी होगी। पहली शिफ्ट 10:30 बजे के पेपर होगा पीएचडी और एमफिल के लिए मैथमेटिक्स म्यूजिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ECE ब्रैकेट में लिखा हुआ है UIET उसके बाद / फिर है अगला सब्जेक्ट है सिविल और फिर है मी UIET लिखा हुआ है। अगली शिफ्ट 12:45 31 दिसंबर के सब्जेक्ट होंगे संस्कृत एजुकेशन और डिफेंस स्टडी, अगर मैं सही हूं तो संस्कृत इकोनॉमिक्स एंड डिफेंस स्टडीज 31 दिसंबर समय 12:45 पर। अगला सब्जेक्ट है 3 बजे की शिफ्ट है 31 दिसंबर की लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड ईई ब्रैकेट में UIET लिखा हुआ है। यह था नया शेड्यूल प्रवेश परीक्षाओं का 28 से लेकर 31 दिसंबर के बीच में एमफिल और पीएचडी का, और इन सभी प्रवेश परीक्षाओं का जो रिजल्ट डिस्प्ले होकर आएगा वह आएगा 12 जनवरी 2021 को वेबसाइट पर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। उसके बाद एग्जाम का माध्यम क्या रहेगा और इंटरव्यू तो आपको पता है कि रीजनल सेंटर पर जाना है यानी फिजिकल मोड पर होगा, इंटरव्यू भी इसका फिजिकल मोड पर। जी हाँ,
फिजिकल मोड पर इंटरव्यू होगा, इस बात का विशेष रूप को आपको मैंने पहले भी बताया था, और उसकी भी डेट को अब बदल दिया गया है। नई डेट क्या होगी इंटरव्यू की वह भी सुन लीजिए। पहले इंटरव्यू 2, 3 और 4 जनवरी को होना था, अब उसको बढ़ाकर या बदल कर परिवर्तित करके उसको हटा दिया गया है। नई डेट क्या होगी इंटरव्यू की वह भी सुन लीजिए। सब्जेक्ट के नाम और मैं डेट बोलूंगा, 6 जनवरी को पहला इंटरव्यू होगा आपको सब्जेक्ट का, 6 जनवरी 2021 को, और सुन लीजिए। और जो मैंने 12 जनवरी की बात की है वह कंप्लीट रिजल्ट आएगा एंट्रेंस और इंटरव्यू में, जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं पीएचडी के लिए 12 जनवरी को, लेकर उससे पहले होना है इंटरव्यू 6 जनवरी 2021, समय सुबह 11:10 बजे से। सब्जेक्ट के नाम सुन लीजिए, मैथमेटिक्स, म्यूजिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ECE, सिविल, मी, ज्योग्राफी, इंग्लिश, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, IMS AR, विजुअल आर्ट, केमिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट। कोई सब्जेक्ट छूट गया है तो कमेंट करके बताइएगा। 6 जनवरी को इन सब्जेक्ट का इंटरव्यू है सुबह 10 बजे से, फिजिकल मोड पर होगा इंटरव्यू। इस बात का रखिएगा विशेष ध्यान, यूनिवर्सिटी में आपको अपने विभाग में जाना है, वह है आपका वेन्यू। 7 जनवरी सुबह 10 बजे ये सब्जेक्ट का इंटरव्यू है, वह सुन लीजिए। डिफेंस साइंस, संस्कृत, एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, स्लैश में CSE लिखा हुआ है, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, हिंदी भाषा है हिंदी, सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र, फिजिक्स, लॉ, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। 7 जनवरी को होगा इनका इंटरव्यू। अगली डेट और सब्जेक्ट है 8 जनवरी की, अंतिम शेष सब्जेक्ट है और अधिकांश सब्जेक्ट इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फार्मेटिकल साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायो केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेशन, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एंड नॉट ऑफ द लिस्ट स्टैटिक्स एंड कॉमर्स। तो 6, 7, 8 जनवरी को होने हैं इंटरव्यू, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को होनी है प्रवेश परीक्षाएं, 12 जनवरी 2021 को आ जाएंगी आपका अंतिम परीक्षा परिणाम। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान, चाहे एंट्रेंस हो या इंटरव्यू हो, दोनों होना है ऑफलाइन, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यह था MDU यूनिवर्सिटी का नया शेड्यूल, एडमिट कार्ड, एंट्रेंस, इंटरव्यू, बढ़ी हुई सीट्स को लेकर। इन चारों मुद्दों पर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो भी मेरी क्षमताएं हैं, मेरा ज्ञान है आपको समझाने का और आपके सवालों के जवाब देने का प्रयास करूंगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का भी इंटरव्यू के शेड्यूल आ चुके हैं, 2 पार्ट में वीडियो बन चुका है, चैनल पर डल चुका है, उसको देख लीजिएगा। और कुछ कुछ विश्वविद्यालयों के नए नए अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो यहाँ तक आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना 12 से 13 मिनट देने के लिए। अपने सवाल दीजिए, अपना लाइक और डिसलाइक जो देना हो वह दीजिए। अगले वीडियो में अगली सूचना के साथ आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सलाम संविधान।